युद्ध अपराधी बेगूसराय में काफ़ी बेखौफ हैं, लेकिन जो इस वक्त घटना सामने आई है वह निश्चित ही उसकी उद्भेदन की प्रतीक्षा में पूरा बेगूसराय टकटकी लगाए बैठा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय के प्रतिष्ठित ज्वेलरी संस्थान में काम करने वाली नेहा कुमारी की, जो बेगूसराय लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अनंतपुर की रहने वाली थी, जिसकी अपराधियों ने आज से महज कुछ दिन पहले देर रात गोली मारकर उसके घर के पास ही हत्या कर दी थी। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ नेहा की तकरीबन 10 बजे रात में हत्या की गई थी। नेहा अपने संस्थान से घर की ओर आ रही थी, तभी अपराधियों ने उसे घात लगाए, यहाँ पे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना होलै जे कि मतलब घर के आसपास में ओकरा मतलब हल्ला होलै जे कि धक्का लग गेलै, धक्का लग गेलै। जब हम पहुँचलिए तो हमरा लोग कहलखिन धक्के लगलै, धक्का लगला के अनुसार हॉस्पिटल लै गेलिए। हॉस्पिटल में जब ओकरा देखल गेलै तो ओकरा गोली लगल रहै। आब गोली मारै वाला के हमरा पूछलखिन, हम जब ओजा पहुँचलिए जब हमर बेटी मरि चुकलै तो 10 मिनट के अंदर हमर बेटी मरि गेलै। हमरा कुछ पते नहि लगलै जे गोली मारै वाला के रहथिन नहि रहथिन, लेकिन जकरा पर हमरा शक जाय रहै हुनकर हुनका नौ कहलिए हमे, तो ओकरा कोई लोग सिठाएल नहि तैयार छथिन कि जेकि एकरा पर तोहर सबसे ऊ लोग हमरा मोबाइल से कोई साल भरि से बातचीत नहि करै। केकरा पर शक रहै? हमरा शक छै हमरा जमाइ के चचेरा भाई छै हुनका पर। अच्छा, नाम कुंदन कुमार ओकर नाम छिकै जी। आ ओ धारूक बिजनेस करै छै। कहाँ के रहै वाला छै? धार ओकर महम्मदपुर गौतम होलै। अच्छा, ओकर नया गाँव थाना पड़ै छै जी। आ ओकर कहनाइ छै जे मतलब ओकर कहनाइ रहै हमर एगो बेटी छै ओकरा से बियाह करै, हमे लोग ओकरा नहि तैयार होलिए जी। दारू बेचै वाला से हम बियाह नहि करबै हम अपना बेटी। आ बेवजह ओकरा मोबाइल से सब तनिक से काम करै रहै, तनिक से वाला लोग उठा गेलै। कए बजे घटना छै? लगभग 10:34 तनिक से निकललै हम। अच्छा, आ 10:40-45 के बीच में ओकरा कब घटना हुई है? 11 तारीख के राति में। अभी हम कहाँ आयल छी? अभी हम आयल छी स्पीकर वायर लगबै, हमरा न्याय चाही। हमारी बहन 11 तारीख शनिवार की रात किसी ने गोली मारकर हत्या कर, उसके बाद जब प्रशासन एक दो को उठा रहे पहले शोरूम से किसी को जिसका मन है उसको उठा कर रहे, छानबीन कर रहे, छोड़े उस उनका प्रशासन का मामला है, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं। फिर जब 13वां दिन था, फिर हमको एक दिन पहले मेरे पति को बुला के टॉर्चर किया गया। फिर 13वें दिन हमको 5:30 से 6 बजे के बीच में बुलाए और 11:30 बजे रात को हमको टॉर्चर करके छोड़ा गया। कभी बोलते थे कि ये लोग तुम्हारा इससे अफेयर है, इससे खैर हमारा किसी से अफेयर है तो वो हमारा निजी मामला, आपको आरोपी पकड़ना या फिर हमारा किससे अफेयर है ये साबित करना है। आपको जलील किया जा रहा था हमको वहाँ पे। आज हम SP साहब से मिलने आए हैं, हमको थाना बुला के प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में जहाँ एक तरफ सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप सा मच गया। पूरा बेगूसराय यह जानने को आतुल है कि आखिर इसकी हत्या किसने की और क्यों की। वहीं पुलिस भी तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस हत्या की उद्भेदन में दिन रात एक हुई है। देखिए, इसमें जो हत्या हुई थी उसमें FIR दर्ज हो गई है। पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है प्रोफेशनली कर रही है और पूछताछ के क्रम में कई लोगों से पूछताछ की गई है। STPO सदर के नेतृत्व में टीम जो है इस केस पर काम कर रही है। काफ़ी अहम सबूत हम लोग को मिले हैं। मृतिका का जो मोबाइल है वो भी हम लोग ने खंगाला है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे पहुंच गई है और इसमें बहुत ही जल्दी जो उद्भेदन केस का वो किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है इसमें, क्या जांच? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। इसके मोबाइल फोन में काफ़ी संदेहास्पद चीज़ें मिली हैं, तो वो सारे लोगों की हम लोग जाँच कर रहे हैं कि कौन कौन इस महिला से संपर्क में था, और सबूत मिलने पर ही इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो चूँकि मृतिका का मोबाइल हम लोग को मिला था, घर वालों से भी हम लोग ने पूछताछ की है और STPO सदर इसमें अपना काम काफ़ी ठीक से कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग ने बाकी केसेस सॉल्व किए इस केस का भी जल्दी उद्भेदन किया जाएगा। जानकारी मिली है कि इनके परिवार के लोगों को भी जेल भेजा गया है क्या? इसके परिवार के एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है, लेकिन वो कोई दूसरा मामला था उसमें। लेकिन इसमें कुल मिला के अभी जाँच चल रही है, अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग जल्दी बताएंगे इसमें जब पूरा हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद कौन लोग इस हत्या में शामिल पाए जाते हैं और पुलिस उनको
किस तरह की सजा देती है। बेगूसराय से न्यूज लाइव के लिए जीवेश। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज लाइव।